so amazing. Woo-hoo! गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जा रहे हैं एक जगह जो कि मैं डिस्क्लोज करूंगी बीच रास्ते में ना. और मेरा जो फ्रेंड है मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ पर्सनली. हाय अक्षय. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. वो आ नहीं पाई है. वो पहले अपने हस्बैंड के साथ आने वाली थी बट उसका हस्बैंड नहीं आया और वो भी नहीं आई है. और ये अपनी वाइफ के साथ नहीं आया है क्योंकि इसकी वाइफ अभी तक इसकी लाइफ में ही नहीं आई है. हम लोग देख रहे हैं इसके लिए लड़की. इफ एनीवन इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट मी. को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ओज़िवा ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. तो इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि बेसिकली ये है क्या. दिस इज ओज़िवा प्लांट बेस्ड हर्बैलेंस PCOS. सो दिस इज ओज़िवा प्लांट बेस्ड हर्बैलेंस PCOS. तो आई डोंट नो, आई थिंक PCOS आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है. सबको पता है PCOS क्या होता है. तो बेसिकली PCOS क्या होता है, इट्स नथिंग. PCOS को बहुत लोग या तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं या उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं. तो ना तो आपको बहुत सीरियसली होकर के स्ट्रेस्ड आउट होना है और ना ही आपको बहुत लाइटली लेकर के इसको अवॉइड करना है. दोनों ही केसेस बहुत डेंजरस हैं. तो आपको अगर आपको पता चलता है PCOS है तो आपको पैनिक नहीं होना है. नॉर्मल अपनी PCOS इज नथिंग. ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है. इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल चेंज का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है या जो ड्रॉबैक्स हैं उसका रिजल्ट है PCOS, नथिंग एल्स. और हमारी आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, मुझे याद है कि हम लोग स्कूल टाइम से ही हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ना स्टार्ट कर देते हैं. लेट नाइट तक जगते हैं. ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं बट हम पढ़ाई के लिए लेट नाइट तक जगते हैं. सुबह अर्ली मॉर्निंग रात को 3-3 बजे 4-4 बजे सो के उठते हैं. कोई टाइमिंग्स नहीं होता है सो के उठने का. कब कोचिंग से आ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, पूरा हमारा शेड्यूल इतना उठपटांग हो चुका होता है. तो वो जो उठपटांग जब सब चीज़ें हो जाती है ना, हर चीज़ का एक टाइम है. तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जब आप नहीं करोगे तो आपकी जो अंदर की साइकिल है वो पूरी वो कन्फ्यूज हो जाएगी कि अब उसको चलना किस तरह से. तो वो उल्टी सीधी चलने लगती है. तो जब वो उल्टी सीधी चलने लगती है तो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो जाते हैं. PCOS वालों का जो डाइट चार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो आई वुड सजेस्ट यू, इज़ बेटर आप उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जा करके, अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू शुड गेट दिस वन. ये मैं आपको बोल रही हूँ लिटरली, यू शुड गेट दिस वन. दिस इज अमेजिंग. आई एम टेकिंग इट फ्रॉम लास्ट 7 to 10 days एंड आई एम लविंग इट. ये हार्डली मेरे को एक मंथ चलेगा और 899 rupees का आता है ये. इसके अंदर टोटल 9 PCOS हर्ब्स हैं जो आपके PCOS लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेंगे. मैं कभी भी इतना ज़्यादा रिकमेंड किसी प्रोडक्ट को नहीं करती हूँ बट मैं इसको जरूर रिकमेंड करूँगी बिकॉज मार्केट में PCOS के लिए एलोपैथी दवाइयां और इस तरह की दवाइयां, ये सब दवाइयां आप छोड़ दो लेना. आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो. आप हर चीज का एक सिस्टम बना लो. खाना पीना ठीक से करिए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, थोड़े बहुत जंक फूड्स खाना अवॉइड करिए और इस तरह का जो नेचुरल फूड सप्लीमेंट है वो लेना स्टार्ट करिए. आई एम डैम श्योर विद इन 2 to 3 months में आपका जो PCOS है वो बहुत हद तक बैलेंस आउट होने लगेगा. तो यही मुझे आप लोगों को बताना था. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. और अब हम चलते हैं आगे फर्दर वीडियो के. हे गाइस, आई वाज वेयरिंग दिस जिसको मैं अभी चेंज कर रही हूँ बिकॉज बारिश के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है बट मेरा बहुत मन था ये पहनने का. तो आई एम गोइंग टू चेंज इन टू सम यू नो कम्फर्टेबल टी शर्ट एंड जीन्स. हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं जहाँ हमको जाना है हमारी डेस्टिनेशन वहाँ के लिए. एंड अभी लास्टली फाइनली मैंने डिसाइड किया ये पहनने का. और ये वाला जो टी शर्ट है ये मैं लेकर के आई थी डी मार्ट से 99 rupees में. कैन यू बिलीव दिस? एंड दिस इज सो कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल है और लगभग बहुत कूल रही है. तो मैं बहुत लूज सा टी शर्ट पहनी हुई हूँ और इसके ऊपर जो ये जीन्स का जैकेट है दिस इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड और इसके नीचे मैं अगेन नॉर्मल जीन्स पहनी हुई हूँ और स्लीपर्स पहन के जा रहे हैं हम लोग. आज मैंने ये कलर पॉप का शेड लगाया हुआ है एंड आई हैव अप्लाइड दिस लॉरियल का मैट मजीक 12R वाला जो फाउंडेशन है मैंने वो लगा करके रखा हुआ है. और आगे विक्की बैठा हुआ है और मेरा जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है. एंड आकांक्षा, आई एम मिसिंग यू. आकांक्षा भी मेरे साथ चलने वाली थी, वो चलती तो मतलब हम लोग पूरे रास्ते में सिर्फ हंसते हुए जाते. हर किसी सड़े टॉपिक पे वो भी हंस सकती है और मैं भी हंस सकती हूँ. सो यू नो वी आर लाइक दैट.
और अभी बहुत बारिश हो रही है मुंबई में, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर, आप रोशनी देख रहे हो। पहले हम लोग 5 बजे निकलने वाले थे बट क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा लेट निकलेंगे, तो हम लोग 6 o'clock पे अराउंड निकले हैं। और क्या, और कुछ अपडेट होगा तो आई विल शो यू। और यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा हुआ है क्योंकि कुछ खाया नहीं है सुबह से। और फिर थोड़ी देर में मैं अपने फ्रेंड से आप लोगों को मिलवाती हूँ। एक्चुअली वो मुझे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि तूने मुझे ऐसे ही ले लिया बिना तैयार व्यार हुए, तो अब वो अच्छे से यू नो वेल ड्रेस्ड अप है, तो और मैंने ऐसे शादी वादी वाली भी बात बोल दी तो वो। और हे गाइस, सो राइट नाउ वी आर एट शिव सागर। बड़ी मुश्किल से हमको ये इतनी सुबह सुबह कोई खुला मिला है ओपन, और वेज रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो लेट्स सी, वी आर ईटिंग समथिंग और खाली पड़ा हुआ है ये, बट थैंकफुली यहाँ पर एटलीस्ट हमको खुला मिल गया बिकॉज बहुत सारी जगह पे बंद था और जो हमको खाना है हम लोगों को वही मिला है। Hi guys. Hi, Akshay. See, now I look better than earlier. Akshay, बताओ हमारी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है? We have been friends for more than 10 years. 12 हो गए, ये देखो कैसा फ्रेंड है। बेटर काउंट देन मी, सो हम लोग 11th क्लास से फ्रेंड है, राइट? 11th से हम लोग फ्रेंड है, तो ये मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड है। ये हमारे सारे ग्रुप में सबसे अच्छे कॉलेज में गया और पढ़ाई लिखाई में बड़ा इंटेलिजेंट है, तो एनी राजपूत गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू नो शादी। दिखता भी अच्छा है, गाता भी अच्छा है, काफी टैलेंटेड है। क्या मजा आता है? पियानो बजाता है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं। फोटोग्राफी करता है, मेरा भी एक पेज है ट्रैवल स्पेस एंड टाइम, मैं टैग कर दूंगी, तो यू कैन डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो आप इसको मेरा नाम के थ्रू, और मुझे भी डीएम कर सकते हो। ये अपना मैट्रिमोनियल वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। I love traveling outdoors. काफी मैं ड्राइव करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव, इंटर स्टेट ड्राइव। चलो ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू हैव सम ब्रेकफास्ट, आई एम वेरी हंग्री। यस, सो वी आर ईटिंग सम फूड और उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। इट्स यम्मी, कैसा है गोवा, कैसा है आपका? इट्स गुड एज वेल, पैसा वसूल। ऐसे फेक कैंडल लिया जा रहा है। अरे और ओके, तो अभी हम लोग एक लोकेशन पर रुके थे पिक्स क्लिक करवाने के लिए। लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज सो अमेजिंग। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं त्रिम्बकेश्वर। बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में आई थिंक पता होगा, तो अभी जैसे कि सावन चल रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, बहुत ही फेमस है। और तो पीछे है विक्की और ये है विक्की और ये है अक्षय। हम सब इस तरह से चल रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, फुल ऑन श्रावण में सावन वाला आनंद ले रहे हैं। और पहुँचने वाले हम लोग ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली मंदिर में जाकर के मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी फॉर श्योर, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्या मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। और हम लोग आई थिंक 5-10 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। अगर मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ देन आई विल पुट पिक्चर्स हियर, इंसर्ट कर दूँगी पिक्चर्स इसमें। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। टिल देन बाय। ये जो व्यू है ये मंदिर के पीछे एक छोटा सा पॉन्ड आप बोल सकते हो या छोटा सा लेक आप बोल सकते हो, मैन मेड लेक लग रहा है मुझे ये, और उसका व्यू है। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस थी, हम लोगों ने उनको प्रॉपरली खाना दिया और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल फिशेस थी यहाँ पर। तो यू कैन सी किस तरह से वो लोग खाना जैसे ही डालते हैं तो वो ऊपर आती हैं सब, ये सारी फिशेज ही फिशेज हैं। अब हम सोच रहे हैं उस लोकेशन पर जाने का, सो वी आर गोइंग देयर। बाबा जी इज इन स्वैग, माय गॉड, दिस इज मिनी लेक। हे गाइस, तो
हम लोग त्रिम्बकेश्वर की गलियों में घूम रहे हैं एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन. और एक्चुअली हमारे आज जो दर्शन है वो बहुत जनरली आप जब भी त्रिम्बकेश्वर आते हो तो यहाँ पर बहुत रश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है. लेकिन हम लोगों के 15 मिनट्स के अंदर अंदर दर्शन हो गए. मतलब इवन जो VIP लेन होती है ना उसमें भी आपको 3 घंटे लगते हैं. हम नॉर्मल लेन में, क्योंकि आज इतनी बारिश हो रही है तो लोग ही नहीं आए हैं जबकि सावन चल रहा है. अभी हम लोग यहाँ पे एक हमको बहुत अमेजिंग सा व्यू दिखा है. तो ये व्यू है जिसको देखने के लिए हम लोग इतना सारा ऑल द वे चल करके आए हैं. तो ये हम लोग मंदिर से देख रहे थे और अभी हम उसी लोकेशन पर आ गए हैं. एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो सिने. कैमरा तो जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है इसकी ब्यूटी. ये बहुत सुंदर लग रहा था. और अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ तक आए हैं, अब आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम हम कब आएंगे इधर से. तो अब हम जा रहे हैं सुला वाइन्स, जो कि है नासिक में. अभी हम हैं त्रिम्बकेश्वर में. तो यहाँ से नासिक हार्डली 20 मिनट्स का रास्ता है. तो अगर आप, आपकी फैमिली या आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हैं. हे गाइस, सो वी आर राइट नाउ एट सुला वाइन यार्ड. वी आर प्रेजेंसिएट करना चाहें विनयार्ड, वाइन यार्ड, वट एवर. सो वी आर राइट नाउ हियर. और काफ़ी सिनिक एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड राइट नाउ इसकी टिकट्स रहती है तो पर पर्सन 200 रुपीज़ लगता है. हम लोग यहाँ पर काफ़ी ऑफ सीज़न में आए हैं. जनरली लोग यहाँ पर जो सुला विनयार्ड फेस्ट होते हैं, आई थिंक वाइन फेस्ट होता है, जो वर्ल्ड का आई थिंक बेस्ट वाइन्स यहाँ पर आती है. तो जिनको वाइन पीने का शौक है और जिनको ये बैंड्स रॉक बैंड्स और ये सब चीज़ें पसंद हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं. बट वी बोथ आर वेरी देसी और हम लोगों को ये सब, मेरे को तो बिल्कुल भी है, मुझे हम लोग एक्चुअली ग्रीनरी इंजॉय करने, जो नेचुरल और जो नेचर ब्यूटी है वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं. वी आर नॉट एट ऑल, यू नो, ना तो हम लोग वाइन लवर्स हैं और ना ही हम लोग को ये जैज है. यहाँ पे पूरा जैज म्यूजिक बज रहा है. वी डोंट लाइक जैज म्यूजिक. हम लोगों को एकदम देसी बॉलीवुड जैज म्यूजिक में भी, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत वो जो म्यूजिक होता है ना जो धीमा धीमा बजता है वो मैं एक बार सुन सकती हूँ. बट ये जो पूरा नॉर्मल जैज सॉन्ग चल रहा है तो ना मेरे समझ में आ रहा है ना मुझे पसंद है. तो अभी हम लोगों का जो है सुला विनयार्ड वो कंप्लीट हो गया है. अभी पता नहीं, मुझे ठीक अच्छा लगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ग्रीनरी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. बट हाँ, वाइन लवर्स के लिए इट्स वेरी गुड प्लेस. बट जो मेरा फ्रेंड है अक्षय, वो मेरे को बता रहा है कि ये जो प्लेस है जब फेस्ट होता है यहाँ पर तो इसका माहौल ही अलग होता है. तो लेट्स सी, पता नहीं वो फेस्ट में जो भी होता होगा. बट काफ़ी अच्छा है. आजू बाजू बहुत सुंदर सीनिक व्यूज़ हैं, ओपन है पूरा आसपास, तो वो बहुत ऑसम लगता होगा आई एम श्योर. तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं हमारे घर के लिए. अभी बज रहा है 2, तो होपफुली हम पूरा जो घाट वाट है वो क्रॉस कर लें, बिकॉज आज ही बहुत बारिश हो रही है. रात भर से बहुत बारिश हो रही थी बट हम लोगों को मंदिर जाना ही था. लास्ट ईयर भी हमारा बहुत मन था यहाँ आने का त्रिम्बकेश्वर, बट हम आ नहीं पाए थे ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न. तो इस बार हमारा त्रिम्बकेश्वर हो गया तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई, हम लोग आ गए एनीवेज. अब बस अच्छे से पहुंच जाए वही है. और मैं जब पहुंचती हूँ, घर पहुंचती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ. सो टिल देन, बाय.
So finally we are back और हम लोगों को total 13 hours हो गए हैं, 13 नहीं, हाँ 13 hours हो गए. हम 6 o'clock पे निकले थे और sharp 7 o'clock पे हम घर आ गए हैं. अभी मैं फटाफट से change वेंस करूँगी और बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग. खाना वाना खाने जाने वाले हैं क्योंकि कुछ बनाने की अभी हिम्मत नहीं है. तो आज का जो वीडियो है वो मैं यही ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. टिल देन बाय.